नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 ऐसे वेजिटेबल्स के बारे में जिनको कि हम विंटर सीजन में अक्टूबर नवंबर में अपने गार्डन में, टेरेस पर, गमलों में या ग्रो बैग्स में इजीली उगा सकें और उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकें। मैं अपने अनुभव के आधार पर दोस्तों आप लोगों को बताऊँगा कि आप कौन कौन से वेजिटेबल्स अक्टूबर नवंबर विंटर सीजन में अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, जो गार्डन लवर्स होते हैं जिनको गार्डनिंग पसंद होती है, तो गार्डनिंग करने का जो सबसे बेस्ट सीज़न होता है रेनी सीज़न और विंटर सीजन। ये दोनों सीजन गार्डन के लिए बेस्ट इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इस सीज़न में आप कोई भी पौधा आप लगाते हो तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। कम केयर में आपके सारे पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं और अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देते हैं। तो इसलिए दो रेनी सीजन और विंटर सीजन को बेस्ट सीज़न माना गया है गार्डनिंग के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। अभी से आप तैयारियां शुरू कर दीजिए ताकि विंटर तक आप अच्छी सीडलिंग्स तैयार कर सकें, प्लांट्स तैयार कर सकें। दोस्तों, विंटर सीजन में जो एक समस्या आती है हमारी सीडलिंग्स में, गार्डनिंग में, कि हमारे जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि ठंड के मारे उनके सेल्स हार्ड होते हैं और वो उनकी स्प्राउटिंग थोड़ा टाइम लेती है। तो वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रिक्स अपनाएं, कैसे सीडलिंग करें कि वो ज़्यादा टाइम ना ले, जल्दी स्प्राउटिंग दे, जल्दी अंकुरित हो जाए। तो वीडियो में दोस्तों आखिरी तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो कि वो 25 प्लांट वेजिटेबल्स जिनको कि हमें अपने ग्रो बैग में लगाना चाहिए। और दोस्तों, मैं वो सारे वेजिटेबल्स वही बताऊँगा जो मैं खुद उसे ग्रो कर रहा हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको पूरी कंपोस्टिंग और ग्रो बैग के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, पहला प्लांट है, जो पहला वेजिटेबल जो मैं आपको बता रहा हूं, भिंडी की। आप भिंडी अपने टेरेस पे लगा सकते हैं, बहुत ही इजी टू ग्रो है और इसमें इसके सीड्स आप लगाएंगे 3 से 4 दिन में स्प्राउटिंग आ जाएगी और 15 दिन में आप इसके सीड्स को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं सीडलिंग से। दोस्तों, भिंडी के लिए आपको 12 इंच की हाइट का ग्रो बैग चाहिए, गहराई जिसमें 12 इंच हो और चौड़ाई उसकी आप कुछ भी ले सकते हो, 12 बाई 12 की ले सकते हो। मेरी ये 24 बाई 12 की है जिसमें मैंने 8-9 प्लांट भिंडी के लगाए हुए हैं। भिंडी में दोस्तों, एक बार सीडलिंग्स आ जाने के बाद, स्प्राउटिंग आ जाने के बाद, पौधे जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद आपको उसमें 15 से 20 दिन में एक बार काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देना है और उसकी गुड़ाई कर देनी है और वाटरिंग करते रहना है। ठंड के सीजन में दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है कि वाटरिंग ज़्यादा ना हो, जब मिट्टी आपकी सूख जाए तभी वाटरिंग करें। दूसरा दोस्तों, आप बीन्स लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरी बीन्स लगी हुई है और इसमें फ्लावरिंग भी आ रही है। बीन्स के लिए भी आपको मैक्सिमम 12 इंच की 1 फीट की गहराई वाला कोई भी पॉट लीजिए और उसमें आप बीन्स उगाइए, आपको पूरी ठंडी अच्छी खासी मिलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों आप लगा सकते हैं, देखिए, गाजर ठंडियों का ही है। आप गाजर ऐसे ग्रो बैग में ही उगाइए जिसकी कम से कम मिनिमम हाइट 12 इंच की हो, 12 इंच से कम की हाइट में गाजर ना उगाइए। और गाजर को आप डायरेक्ट उसी में सीड्स स्प्राउट स्प्रिंकल कीजिए जिस भी पॉट में लगाना है। और उसमें जो मेन बात ये ख्याल रखने वाली गाजर के लिए कि जब आपके सीड्स जर्मिनेट हो जाए तो उसमें आप उसको देख लीजिए, उसकी डेंसिटी ज़्यादा ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि छोटे से पॉट में आपने बहुत सारे पौधे निकलाए हैं तो फिर एक भी पौधा उसमें से बढ़ेगा नहीं आपका। फिर दोस्तों चौथा है सलजम। सलजम देखिए, सलजम के लिए आप 9 इंच की गहराई का भी पॉट ले सकते हैं। 9 इंच की गहराई के पॉट में भी आराम से सलजम निकल जाएगा। तो सलजम को आप डायरेक्ट स्प्रिंकल कीजिए और जब
सेम उसी तरह गाजर की तरह जब शलजम आपका स्प्राउट हो जाए तो उसमें से देख के थिनिंग कर दीजिए। जैसे ये मेरा शलजम लगा हुआ, मैंने इसे थिनिंग कर दिया, जहाँ एक से ज़्यादा पौधे हों उसको थोड़ी स्पेस दीजिए और उसमें से थिनिंग कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मेरी अदरक जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रही है, अब ये 10-15 दिन के अंदर मैं इसको हार्वेस्ट करूँगा और इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट होता है, पांचवा प्लांट है हमारा सेम फली। ये देखिए सेम लग रही है मेरी, इसमें सेम फली के लिए आप 12x12 का ग्रो बैग ले सकते हैं। एक ग्रो बैग में एक पौधा ही लगाएं और इसकी जो आप मिट्टी तैयार करेंगे वो 50% काउडंग गार्डन सॉयल, 30% काउडंग कंपोस्ट और 20% कोकोपीट मिला के आप इसमें लगाइए सेम फली। सेम फली ये मेरी सीडलिंग से निकालने के बाद मैंने एक पौधे से कई पौधे बनाए हैं, जो एक फल मैं छोड़ देता हूँ सूख जाती है तो उसके सीड्स मैं निकाल के फिर से तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप सेम फली लगाइए। उसके बाद दोस्तों आप लगा सकते हैं टमाटर, बैंगन और मिर्च के पौधे। टमाटर, बैंगन, मिर्च आप पूरे साल अपने टेरेस पे लगा सकते हैं और इन टमाटर, बैंगन, मिर्च के लिए आपको मिनिमम 12x12 इंच का ग्रो बैग चाहिए। ये देखिए मेरे सारे प्लांट्स हैं, मैंने लगा रखे हैं। ये बैंगन, टमाटर और बैंगन और मिर्च, इन तीनों की केयर आपको जब पौधे सीड्स से जर्मिनेट कर जाएं इन्हें ट्रांसप्लांट कीजिए। इनके लिए जो मिट्टी मैंने बनाई है, देखिए मिट्टी मैं आपको दिखाऊं, मिट्टी चूँकि टेरेस पे यूज करनी है तो हल्की करने के लिए मैंने इसमें धान की भूसी मिलाई हुई है। आप चाहें तो धान की भूसी की जगह कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने जो मिलाई है मेरी मिट्टी की जो सॉयल मिक्स है बैंगन के लिए या मिर्च टमाटर के लिए 50% काउडंग गार्डन सॉयल, 20% काउडंग कंपोस्ट और 30% मैंने इसमें ले रखा है धान की भूसी। तो आप बैंगन, टमाटर, मिर्च भी लगा सकते हैं जो कि एवरग्रीन है, तो आप ये लगाइए। इसके बाद दोस्तों आप, मैं बताऊंगा आपको कि लीफी वेजिटेबल्स हैं कुछ जिनको आप अपने टेरेस गार्डन पर ज़रूर लगाइए, जिसमें धनिया जो है सबसे ऊपर आता है, क्योंकि धनिया किसी भी सब्जी के साथ, पूरी ठंड सर्दियों के सीज़न में आपको धनिया यूज करना है किसी भी तरीके से, चाहे आप चटनी में यूज कीजिए, खाने में यूज कीजिए। तो धनिया के लिए आपको 6 इंच से लेकर 9 इंच, 12 इंच की गहराई तक का कोई भी पौधा हो आप उसमें धनिया लगाइए। धनिया को लगाने से पहले आप उसको ओवरनाइट धनिया के सीड्स को गीला कर लीजिए और फिर उसको हल्की राख में मिला के आप स्प्रिंकल कीजिए। इसकी धनिया की सीडलिंग टू हार्वेस्टिंग डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे जल्दी आने वाली है। तो धनिया लगाइए, धनिया के अलावा आप पालक लगाइए। पालक का साग देखिए मेरी, ये अभी मैंने सीडलिंग करी है, कुछ निकल आए हैं, कुछ निकल रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं। सेम पालक को भी आप 9 इंच से 12 इंच तक के पॉट में लगाइए। उसके अलावा लाल भाजी, चौलाई, ये लीफी वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा आप सो और मेथी भी लगा सकते हैं जो कि आपको सर्दियों के सीजन में बहुत ही अच्छी होती हैं खाने में। फिर दोस्तों इससे आगे आप लगा सकते हैं लहसुन। लहसुन के लिए आपको सेम अगेन 9 इंच से 12 इंच की गहराई का पॉट आपको सेलेक्ट करना है और लहसुन को आप डायरेक्ट पॉट में लगाइए। लहसुन, प्याज भी लगा सकते हैं आप, प्याज का भी सीजन है। इसके अलावा आप आलू की खेती कर सकते हैं, आप 12x12 के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। मेरे पास चूंकि ये क्यारी है बड़ी सी, तो मैंने इसमें लगाया हुआ है कुछ आलू। मैं आपको दिखाऊं, इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट भी हो गई है, ये देखिए। तो आप आलू लगा सकते हैं। आलू में भी आपको बस एक नॉर्मल, सभी पौधों के लिए नॉर्मल जो कंपोस्ट है वो है काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, सभी में आप यही दीजिए। कुछ कंडीशंस में आपको एक्स्ट्रा कंपोस्ट करनी है, जिसमें आप एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं, आप जिप्सम दे सकते हैं, लेकिन ये सभी पौधों के लिए नेसेसरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आप लगा सकते हैं गोभी। गोभी में आपको 3 वैरायटी मिल जाएगी, बंद गोभी, फूल गोभी और इसके अलावा ब्रोकली, जो कि बहुत इस समय
चलन में है, तो आप 12x12 के पॉट में आप गोभी लगाइए, आपको निश्चित ही अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, चाहे वो बंद हो, ब्रोकली हो या पत्ता गोभी। फिर आप दोस्तों चुकंदर लगा सकते हैं, देखिए चुकंदर मेरी लगी हुई है। चुकंदर के अलावा दोस्तों अब हम आ जाते हैं बेल वर्गीय कुछ सब्जियां हैं हमारी, जिसमें आपने देखा तरोई, देखिए कैसी फ्रूटिंग भी लगी हुई है मेरे में तरोई में, तो आप तरोई लगाइए। तरोई बेल वर्गीय कोई भी सब्जी आप लगाइए दोस्तों, तो उसके लिए ध्यान रखिए कम से कम 15x15 का ग्रो बैग रखिए, और 15x15 के ग्रो बैग में एक ही बेल लगाइए। 18x18 के ग्रो बैग में अगर आप लगाते हैं तो 3 बेल लगा सकते हैं, तो उसमें आपको फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी। तो बेल वर्गीय में देखिए दोस्तों आप लगा सकते हैं तरोई, उसके अलावा आप जुकिनी लगा सकते हैं, कुंदरू, कुंदरू एक बार आप लगा दीजिए फिर उसको भूल जाइए, क्योंकि ये पौधा आपको बार बार नहीं लगाना है, एक बार लगा के आप इसकी काटते रहेंगे, इसकी नई लीव्स, नई इसमें जो इसकी टहनियाँ होती हैं उससे नई स्प्राउटिंग आती रहेगी। उसके अलावा आप लौकी लगा सकते हैं, ये देखिए लौकी दोस्तों मेरी अच्छी चल रही है, मैंने 18x18 के ग्रो बैग में 3-3 पौधे लौकी के लगा रखे हैं। फिर आप करेला लगा सकते हैं, करेला भी विंटर सीजन के लिए बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देता है। इसके साथ आप पुदीना लगा सकते हैं, चूंकि धनिया आप लगा ही रहे हो तो पुदीना भी लगा लो, पुदीना और धनिया की चटनी आपको पूरी विंटर बहुत ही मज़ा देगी, आपके किसी भी खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए काफ़ी है। फिर दोस्तों जो विंटर का सबसे खास सब्जी होती है मटर, ज़रूर लगाएं आप इसको, आप बड़े ग्रो बैग में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मटर की देखिए मैंने सीडलिंग्स कर रखी हैं और इसमें स्प्राउटिंग भी आ गई हैं देखिए, तो आप मटर लगाएं, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये क्यारी है मेरी जिसको मैं रेडी कर रहा हूँ, तो मैंने सीडलिंग्स कर दी, अब इस क्यारी में मैं मटर को ट्रांसप्लांट करूँगा, तो आप मटर लगाइए और घर की ताज़ी मटर आपको जो हार्वेस्ट करने को मिलेगी उसका टेस्ट अलग ही होगा दोस्तों। ये देखिए मेरी जो अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ साझा किया था अपसाइड डाउन टोमेटो प्लांट्स, देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं, मैंने 5 प्लांट्स लगाए थे जिसमें से एक ख़राब हो गया मेरा, बाकी ये देखिए चल रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आप करी लीफ कड़ी पत्ता लगा सकते हैं, कड़ी पत्ता देखिए आप 12x12 के ग्रो बैग में कड़ी पत्ता लगाइए, कड़ी पत्ता भी आप पूरी सर्दियों में खाने के टेस्ट को बढ़ाता रहता है, अच्छा करता है। फिर दोस्तों ये आखिरी वेजिटेबल जो मैं आपको बता रहा हूँ सर्दियों के सीजन में ग्रो करने के लिए, इसके बाद हम जानेंगे कि हम सीडलिंग्स कैसे करें सर्दियों में कि उसमें जर्मिनेशन में फास्ट जर्मिनेशन हो और पौधे हमारे बीज ख़राब ना हो। दोस्तों मूली जो किसी भी कोई भी भोजन आप बना रहे हो हर भोजन के साथ सलाद के रूप में या किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मूली को 12x12 के ग्रो बैग में आप 5 से 6 सीड्स आप मूली के लगा सकते हैं, देखिए तो मूली ज़रूर लगाइए क्योंकि इसमें आपको कोई केयर की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने मूली लगा दिया फिर आप इसको भूल जाइए। तो ये कुछ वेजिटेबल्स थे जिनको मैं लगा रखा हूँ और मैं इनसे बहुत ही संतुष्ट हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा किया जाए। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सीडलिंग्स में हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे सर्दियों के सीड्स लगाते हैं हम तो वो ख़राब ना हो और उनमें जर्मिनेशन जल्दी हो। ये दोस्तों देखिए मेरी कल की सीड है, कल मैंने इसे लगाया था और आज इसमें आप देख सकते हैं कई सीड्स जर्मिनेट होने लगे हैं। तो इस तरह फास्ट जर्मिनेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो कोई भी सीड्स आप जो लगाना चाहते हो उसे 1 नाइट के लिए आप पानी में भिगा के छोड़ दो। एक रात आपकी सीड्स जब पानी में भीग के रहते हैं तो वो सीड्स फूल जाते हैं, फूलने के बाद आप उनके लिए जो सीडलिंग मिक्स तैयार करते हैं वो सीडलिंग मिक्स ऐसा रखो कि उसमें कोई भी हार्ड सेल्स ना हो, पहली चीज़, पूरी मिट्टी भुरभुरी हो, सॉयल कम से कम यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोकोपीट यूज करें या फिर आप सॉयल लेस मीडिया में ही सीड्स जर्मिनेट करें, वो ज़्यादा बेटर होगा, जिसमें आप 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट यूज कर लें। इस प्रकार
आप जब 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट यूज करते हैं तो उसमें मॉइस्चर भी बना होता है और न्यूट्रिएंट्स भी हमारे सीड्स के लिए बहुत ही अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार देखिए मैंने लगा रखा है। तो आप जब ओवरनाइट आप सीड्स को भिगा के रखते हैं तो उसमें स्प्राउटिंग के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं, और जब आप उसको सीडलिंग मिक्स जो आप देते हैं 50% काउडंग कंपोस्ट 50% कोकोपीट, तो कोकोपीट नमी को एब्जॉर्ब रखता है, होल्ड रखता है। तो जब आपके सीड्स उसमें आपके सॉयल मिक्स में जाएंगे तो वो मोस्ट प्रॉबली चांस है कि 1 डे या 2 डे में, 1 से 2 दिन में ग्रो कर जाए, स्प्राउट कर जाए और जर्मिनेट हो जाए। और जो इसके बाद तीसरी केयर आपको करनी है कि इनको धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, ऐसे प्लेस पे रखना है। देखिए मैंने इधर से मेरा ये इससे छाया आता है, जब सूरज पूरब की तरफ होता है तो इस क्यारी से छाया आता है, और जब वो पश्चिम की तरफ जाता है तो ये ग्रो बैग या ये जो बेल्स हमारी हैं इनकी वजह से छाया आता है, तो धूप नहीं आती है। तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है सीड्स को, इनको सीडलिंग ट्रे को, सीडलिंग पॉट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, और जब तक इसमें स्प्राउटिंग ना आए इसे किसी ना किसी चीज़ से आप ढक के रखिए। एक बार जब स्प्राउटिंग आपको दिखने लग जाए, जर्मिनेशन दिखने लग जाए, तो फिर आप वो जो ढके हुए हैं उसको हटा दो, और जब दोबारा पानी उसमें वाटरिंग तभी करिए जब उसकी मिट्टी सूखी हुई आपको नजर आए, क्योंकि एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है हमारा, उससे भी हमारे सीड्स गल जाते हैं, फंगस लग जाता है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप सीडलिंग मिक्स में सीड्स आपने लगा दिया तो जो फर्स्ट टाइम आप उसमें वाटरिंग करते हैं वो किसी फंगिसाइड पाउडर, साफ ट्राइकोडर्मा या किसी भी फंगिसाइड पाउडर का जो उसमें पानी में घोल के उससे वाटरिंग कीजिए, ताकि जो आपके सीडलिंग मिक्स में कोई भी फंगस का डर होगा तो वो भी आपके सीड्स को उससे बचाएगा। उसके बाद फिर आगे से जब भी मिट्टी सूखे, सीडलिंग मिक्स सूखे, तो आप नॉर्मल वाटर दीजिए उसे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।